हुई है, एनकाउंटर साइट को क्लियर किया जा रहा है। पहले हम एरिया को सैनिटाइज कर दें, वहाँ पे सब कुछ सामान्य कर दें और साथ साथ हमारी इन्वेस्टिगेशन चलती रहेगी। जो ही इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस करेगा हमें इस पे और प्रकाश डालने की का मौका मिलेगा। जिस तरह के हथियार बरामद इनसे हुए हैं, ऐसा लगता है कि जैसे मोहम्मद के हैं, लेकिन पुख्ता हम इस पे टिप्पणी तफ्तीश के बाद कर सकते हैं। ऐसी दिल्ली में जो आतंकवादी पकड़े गए हैं उनसे इनका लिंक है या नहीं है, इस पे मैं अभी टिप्पणी नहीं कर सकता, ये तफ्तीश का मामला। आपने कहा कि इंटेलिजेंस इनपुट से, क्या वहां से आए थे, दिल्ली से इनपुट आए थे, दिल्ली पुलिस? इंटेलिजेंस इनपुट का स्रोत बताया नहीं जाता। सर, ये जो चारों आतंकी जो मुठभेड़ में मार गिराए गए, क्या ये चारों पाकिस्तानी थे और इन्फिल्ट्रेशन? ये कहना अभी मुश्किल है कि ये पाकिस्तानी थे या कहीं और के थे, लेकिन इतना जरूर है कि ये बड़े आतंकवादी थे जिस तरह से इनके पास हथियार बरामद हुआ। ऐसा संभव है, इस पे तफ्तीश की जा रही है। डीजी साहब ने कहा सांभा रूप से कहीं ये लिए हैं, तो क्या ये इन्फॉर्मेशन है या कुछ? जो पहले के का ट्रेंड रहा है, जो पिछली बार जिस तरह से आए थे, ऐसा हो सकता है, इस पे और तफ्तीश की जा रही है। तो ये रूट कर रहे हैं बॉर्डर में विदाउट किसी मतलब की सर चौथा साल में है जब इन्वेस्टिगेशन एक मकाम पे पहुंचेगी और अगर ये कंफर्म होता है कि ये इन्फिल्ट्रेशन है तो इस पे और प्रकाश डाला जाएगा। सर, डीडीसी के चुनाव में आपको लगता है बड़ी चुनौती रहेगी सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो आपको जिस तरह से पाकिस्तान की ओर से क्या लगता है आपको कि किस तरह जो है आतंकियों की समस्या यही है कि क्या डीडीसी डाला जा सके? डीडीसी इलेक्शन के तहत हमारी डिप्लॉयमेंट और फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट, जिसमें सीआरपीएफ हमारे साथ कंधा से कंधा मिला के चल रही है, काफ़ी पुख्ता है जम्मू प्रांत में, और हम ये इंश्योर करेंगे कि किसी भी अप्रिय घटना को अंजाम ना दे पाए आतंकवादी। अभी उसकी तलाश जारी है। सर, लगातार हो रहा है, LOCO, IB रोड, क्या लगता है आपको कि किस कदर जो है आतंकियों